फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल डॉरिट बाय चार्ल्स डिकेंस। फ्रेंड्स, दिस इज अ नोवेल दैट वाज पब्लिश्ड बिटवीन 1855-1857 सीरियली बिटवीन दीज ईयर्स। एंड इसमें जो स्टोरी है उसमें ये जो कैरेक्टर है इसके ऊपर ही इसका नाम लिटिल डॉरिट है, मतलब एक एमी डॉरिट नाम का एक कैरेक्टर है, एक गर्ल है यंग, और वो लिटिल डॉरिट के नाम से जानी जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करें कि किस चीज़ की बात की गई है, तो इसमें मार्शलशिप प्रिजन की बात की गई है जो डेटर्स के लिए है, मतलब वो लोग जो अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं या लोन वगैरह ले रखा है। तो लंदन की एक प्रिजन है मार्शलशी नाम की, उसके अंदर उनको मतलब रखा गया है। इसी में एक कैरेक्टर है आर्थर क्लिनम, वो यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखता है क्योंकि वो बहुत टाइम तक चाइना में रह के आता है, 20 साल तक, और उसके बाद में जब वापस आता है तो ये सारी चीज़ें देखता है। तो इस नोवेल में ये सब कुछ क्यों बताया गया है, तो इसमें चार्ल्स डिकेंस ने सटायर किया है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सोसाइटी है उसके में क्या कमियां हैं, साथ ही साथ जो डेटर्स हैं उनके साथ में किस तरीके का सलूक होता है प्रिजन में, वो मतलब काम नहीं कर सकते जब तक कि वो अपना डेट जो है वो चुका नहीं देते। तो इस प्रिजन में जो मार्शलशी नाम की है, इसमें जो डिकेंस के फादर थे वो भी रहे थे कुछ टाइम के लिए, और इन्हीं की शॉर्ट कमिंग और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली सर्कमलोकेशन ऑफिस है, किस तरीके से वो अपना काम ठीक से नहीं करती है या चीज़ों को हाइड करती है, इन सब तरीके से उनको सटायर किया गया है इस नोवेल में। तो इस नोवेल को हम स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कन्फ्यूज नहीं होने दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिगॉर्ड और ब्लैंडॉइस मतलब एक ही पर्सन के नाम हैं, और दूसरा कैरेक्टर है जॉन बैप्टिस्ट कैवलेटो। ये जो दोनों पर्सन हैं ये उसी जेल में हैं, उसी प्रिजन में है, डेटर्स प्रिजन, जिसका नाम बात कर रहे हैं मार्शलशी नाम की प्रिजन, उसमें ये दोनों हैं। और ये अभी रिलीज़ होने वाले हैं ये दोनों में, मतलब स्टार्टिंग में ही यहाँ से नोवेल स्टार्ट होता है। तो जो रिगॉर्ड या ब्लैंडॉइस की बात करें, ये यूरोपियन मैन है जो यहाँ पे प्रिजन में है क्योंकि उसने अपनी वाइफ का मतलब मर्डर किया था। दूसरा हम जो कैरेक्टर है जॉन, ये एक इटालियन मैन है, ये भी ट्रायल पे है क्योंकि इसने एक स्मगलिंग की थी। आर्थर क्लिनम जिसका अभी मैं जिक्र कर रही थी, ये जो हैं ये चाइना से आए हैं, 40 साल के पर्सन हैं, सिंगल हैं, पहले इनका किसी के साथ अफेयर था जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स ने इसको चाइना भेजा था, जो 20 साल बाद में ये वापस आ रहे हैं वहाँ पे। मिसिस क्लिनम जो हैं वो वाइफ हैं मिस्टर क्लिनम की, और ये अपना फैमिली बिजनेस चला रही हैं अभी लंदन में। ये जो मोस्टली जो सेटिंग है वो फ्रेंड्स लंदन की ही है, और लंदन में ये रह रही हैं, और आर्थर भी अभी लंदन ही आया है अपनी मदर के पास में 20 साल बाद। मिस्टर गिलबर्ट क्लिनम की बात करें तो ये हैं अंकल, जो आर्थर के जो फादर हैं उनके अंकल थे, और इन्होंने कुछ मिस्टेक की थी जिसकी वजह से इनको लाइफ टाइम पछतावा रहता है। तो वो कौन सी, वो हम नोवेल में डिस्कस करेंगे। एफ्रिया मिसिस फ्लिंटविच की बात करें तो वो ध्यान रखती है मिसिस क्लिनम का, क्योंकि मिसिस क्लिनम जो है वो व्हीलचेयर पे रहती हैं, तो वो इनकी देखभाल करती हैं, केयर टेकर हैं। जेरेमिया फ्लिंटविच जो हैं ये एक क्लर्क होते हैं मिसिस क्लिनम के ही यहाँ इनके बिजनेस में, लेकिन बाद में वो जब ऑर्थर मना कर देता है फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट लेने से, तो वो उसको पार्टनर बना लेती है अपना। मिस्टर मीगल्स और मिसिस मीगल्स जो हैं वो ये दोनों लोग जो हैं, ये क्या होता है कि जब आर्थर जब ये प्लेस सॉरी ये जब नोवेल स्टार्ट होता है तब आर्थर क्लिनम जो है वो आता है चाइना से, और उसके बाद में उसको क्वारंटाइन किया जाता है इसी प्रिजन में, मार्शलशी प्रिजन में के पास में यहाँ पे। तो ये जो है ये इसको मिलते हैं, मतलब मिस्टर मीगल्स, मिसिस मीगल्स, पैट मीगल्स जो इनकी बेटी हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मिस्टर मीगल्स जो हैं एक इंग्लिश मैन तो यहाँ पे आए हैं, एक रिटायर्ड बैंकर हैं, और इनकी ये वाइफ हैं, और इनके साथ में इनकी बच्ची है पैट मीगल्स, और ये इनकी मतलब ये दो ट्विन सिस्टर थी जो ये सर्वाइविंग जो बेटी थी वो पैट मीगल्स थी। और टेटिकोरम नाम की एक ऑर्फन इनके साथ में होती है, आप उसको इनकी बेटी की मेड भी मान सकते हो, तो ये भी इनके साथ में होती है। और मिस वेड,
ये सारे जो पांचों लास्ट के कैरेक्टर हैं फ्रेंड्स, मिस्टर मिगल, मिसेस मिगल्स, पैट मिगल्स, टेटिकोरम एंड मिस वेड. मिस वेड जो हैं वो उनका कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसका टेटिकोरम से बाद में इससे कनेक्शन हो जाता है. ये पहले हेनरी जो गोवन है उसके कॉन्टैक्ट में आई थी मिस वेड, और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं जो इसमें रॉन्ग कैरेक्टर है ब्लैंडोइस जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी उसके भी कॉन्टैक्ट में होती है. तो यहाँ पे ये जो पांचों जो कैरेक्टर हैं ये ऑर्थर के साथ में क्वारंटाइन होते हैं क्योंकि ये चाइना से आते हैं और वहाँ पे उस टाइम पे प्लेग फैला होता है, तो इनको क्वारंटाइन किया जाता है. तो इनसे इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है बाकी लोगों से. तो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे. अब हम आगे देख लेते हैं कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि विलियम डॉरिट जिसकी हम बात करेंगे क्योंकि लिटिल डॉरिट इन्हीं की बेटी है, तो मतलब डॉरिट से ही हमें पता चल रहा है इस खानदान की बात होगी. तो विलियम डॉरिट जो हैं वो 30 साल पहले इस डेटर्स प्रिजन में लाए गए थे मार्शलशी में, और वो अब तक वहीं हैं. मतलब बाद में चले जाएंगे ये, लेकिन काफ़ी टाइम तक जब नोवेल स्टार्ट होता है वहाँ पे वो प्रिजन में होते हैं. मिसेस डॉरिट इनकी वाइफ हैं और ये प्रिजन में दूसरे ही दिन आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ में, क्योंकि इस प्रिजन में ये चीज़ होती है कि अगर कोई अपना डेट चुका नहीं पाता है और उसको यहाँ पे प्रिजन में रखा जाता है तो उसके साथ में उसकी फैमिली रह सकती है. टिप डॉरिट जो है वो इन डॉरिट्स की का बेटा है, और फैनी डॉरिट जो है वो बड़ी बेटी है इनकी, जिसका बाद में शादी एडमंड स्पार्कल्स ल से होगी. एमी डॉरिट जो है इनकी छोटी बेटी है जो इस प्रिजन में ही होती है. मतलब जब ये प्रिजन में आते हैं तब टिप 3 इयर्स का होता है, फैनी डॉरिट 2 इयर्स की होती है, और एमी डॉरिट मतलब इसकी जो मदर होती है एमी डॉरिट की वो प्रेग्नेंट होती है, और एमी डॉरिट का जो जन्म होता है वो प्रिजन में ही होता है, और सब इसको बाद में लिटिल डॉरिट कहने लग जाते हैं. तो फेडरिक डॉरिट की बात करें तो ये विलियम डॉरिट के ही भाई हैं, बड़े भाई हैं, और आर्टिस्टिक हैं, मतलब म्यूज़िक वगैरह प्ले करना इनको अच्छा लगता है. यंग जॉन च्यूवरी की बात करें तो ये लिटिल डॉरिट से प्यार करते हैं. ये वहीं पे मतलब उसी प्रिजन में जो होता है एक पर्सन देख रेख के लिए उनका बेटा होता है, लेकिन लिटिल डॉरिट इसकी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं करती हैं क्योंकि लिटिल डॉरिट इससे प्यार नहीं करती हैं, वो आर्थर से ही करती हैं बाद में. तो फ्लोरा फिंचिंग जो हैं जैसा विडो हैं वो एक, जैसा कि मैंने बताया था ऑर्थर जो थे उनके पेरेंट्स ने उनको चाइना इसीलिए भेजा था क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में थे किसी लड़की के, वो फ्लोरा फिंचिंग ही थी. और जब ये 20 साल बाद में वापस आते हैं तो फ्लोरा फिंचिंग को ऐसा लगता है कि अभी भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वो बहुत चेंज हो चुकी होती है और ऑर्थर उसको लाइक नहीं करता है. फिर मिस्टर क्रिस्टोफर कास्बी की बात करें तो ये फ्लोरा फिंचिंग के फादर होते हैं और ऑनर होते हैं ब्लीडिंग हार्ट यार्ड के. मिस्टर पैंक्स जो होते हैं ये रेंट कलेक्टर होते हैं मिस्टर कास्बी के, और ये आर्थर से इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है. बाद में ये बहुत सारी चीज़ें रिवील करते हैं. डेनियल डॉइस जो हैं वो एक इन्वेंटर है, मैकेनिकल डिवाइसेस बनाते हैं, और बाद में ये आर्थर से मिलते हैं तब उनको आर्थर को कहते हैं कि वो उनके बिजनेस पार्टनर बन जाएं क्योंकि उनको नीड होती है, और ऑर्थर उनके बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं. मिस्टर एडमंड स्पार्कलर जैसा कि मैंने बताया था ये फैनी के लवर हैं और ये अपर क्लास मैन होते हैं. जब ये अपर क्लास होते हैं इनकी मदर ने मना कर दिया था कि फैनी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है क्योंकि मिस्टर एडमंड स्पार्कलर की मदर नहीं चाहती थी ये रिश्ता. लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है, मतलब हम 2 पार्ट्स में ये नोवेल को पढ़ेंगे, एक बार जो डॉरिट की फैमिली होती है वो पुअर होती है और बाद में वो रिच हो जाती है जब उनके सारे डेट क्लियर हो जाते हैं. उनको ऐसी प्रॉपर्टी का पता चलता है जिनका उनको पता ही नहीं था कि हमारे मतलब इनहेरिटेंस में ऐसा कुछ है. तो जब वो रिच हो जाते हैं तब इनकी जो एडमंड स्पार्कलर की मदर हैं वो राजी हो जाती हैं और फैनी की शादी हो जाती है एडमंड स्पार्कलर से बाद में. मिसेस मर्डल और मिस्टर मर्डल की बात करें तो मिसेस मर्डल जो हैं वो मदर हैं एडमंड स्पार्कलर की, और ये इन्होंने जो मिस्टर मर्डल से मतलब सेकंड मैरिज की थी, तो इनका स्टेप सन होता है ये. मिस्टर मर्डल की बात करें तो एक बैंकर है, फाइनेंशियर है, और ये सबका पैसा जो है वो अपने खुद के पास में सेव कर लेता है, और बाद में सबकी हालत तब ख़राब हो जाती है जब ये खुद सुसाइड कर लेता है और उनका सबका पैसा डूब जाता है. तो उस टाइम पे आर्थर भी गरीब हो जाता है और उसको भी डेटर प्रिजन में जाना पड़ता है, तो मतलब बहुत क्लाइमैक्स होंगे. हेनरी गोवन की बात करें तो ये पैट मिगल्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है और फिर उसे शादी भी कर लेता है मिगल्स फैमिली से, और जैसा कि हम जानते हैं पहले इसका रिश्ता मिस वेड से होता है.
उससे उसकी जानकारी होती है, उनका रिलेशन होता है। टिटे बारनेकल जो हैं, ये जो बारनेकल फैमिली है, इनका इसमें सरकमलोकेशन डिपार्टमेंट में जो ये लंदन में है, कौन किसका कितना डेट है और डेटर प्रिजनर की पूरी जो नॉलेज रखती है उसकी, उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है इस सरकमलोकेशन डिपार्टमेंट में, तो इसमें बारनेकल फैमिली का बहुत नाम होता है, वही वहाँ पे देख रेख करती हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नोवेल की तरफ, जिसमें जैसा कि मैंने बताया टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहले पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, जब जो डॉरिट फैमिली है वो पॉवर्टी में जी रही है, गरीबी है। तो ये जब नोवेल स्टार्ट होता है तो मार्सेलीज में ही, मतलब 30 साल पहले की स्टोरी है, 1826 से स्टार्ट होती है। जो इस टाइम पे क्या होता है कि जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कैरेक्टर रिगार्ड है वो बात कर रहे हैं अपने सेलमेट है जॉन बैप्टिस्ट कैवेलेटो के नाम का, तो उससे बात कर रहा है, उसने अपनी वाइफ को मार दिया और अब यहाँ से रिलीज होने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आर्थर क्लेनम जो है वो क्वारंटाइन है, क्योंकि वो चाइना से आया है जहाँ पे प्लेग फैला हुआ है, और अब मार्सेलीज में ही वहाँ पे रुका हुआ है, और उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है कुछ लोगों से, जैसा कि मैंने बताया था मिस्टर मेगल्स, मिसेस मेगल्स, उनकी बेटी पैट, और वहाँ पे उनकी मेड जो होती है टैटी कोरम, या फिर ऑर्फन होती है जिसको ये मिस्टर एंड मिसेस मेगल्स रखते हैं, और मिस वेड नाम की एक लेडी से इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है आर्थर की। आर्थर जो है वो लंदन वापस आया है अपनी मदर को देखने के लिए, इतने टाइम से वो अपने फादर के साथ में चाइना में रह रहा था। मिस जो आर्थर की मदर है उसका नाम मिसेस क्लिनम है, और इनकी जो फादर की डेथ हो गई थी उसके बाद में क्या होता है कि आर्थर जो है वो वापस आने के लिए डिसाइड करता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो चाइना में रह रहा था। अब वो जो फैमिली का बिजनेस था वो वहाँ पे संभालता था उनके फादर जो थे, लेकिन अब वो वापस आ गया है। आर्थर जब वापस मतलब अपने फादर को डेथ बेड से, मतलब लास्ट सीन जब वो याद करता है तो डेथ बेड में होते हैं, तब उस टाइम पे उसके फादर ने उसको वॉच दी होती है जो उसने अपनी मदर को मेल कर दी होती है, और उस वॉच में एक पेपर होता है जिस पे ये लिखा हुआ, क्योंकि उसके फादर ने कहा था उसकी मदर के लिए ये वॉच, और उस वॉच के अंदर एक पेपर होता है जिसमें लेटर लिखा होता है DNF, मतलब डू नॉट फॉरगेट। तो ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो उसके फादर जो हैं उसकी मदर को ऐसा कुछ याद दिलाना चाहते हैं, या फिर ये नोट क्या कहना चाहता है डू नॉट फॉरगेट। तो आर्थर जो है वो अपनी मदर को वो जो मेल कर देता है जो वॉच होती है वो, लेकिन जो मिसेस क्लिनम है वो अभी व्हील चेयर पर है, और वो कुछ भी नहीं बताती अपने बेटे आर्थर को कि ये किस लिए था ये मैसेज। तो इन दोनों के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद में अब लंदन की जब स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम विलियम डॉरिट से, जो फैमिली का हेड है, जो अभी जेल में है, डेटर प्रिजन में है मार्शलसी में। अब हम देखते हैं कि वो मार्शल सी में डेटर प्रिजन में रह रहा है, 20 ईयर से रह रहा है, और उनके तीन बच्चे हैं, एडवर्ड जिसको मैंने बताया था, टिप और फैनी और एमी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे छोटी बेटी होती है एमी, जिसको हम लिटिल डॉरिट कहते हैं, वो प्रिजन में ही हुई थी और सब उसको प्यार से लिटिल डॉरिट कहते हैं। उनकी मदर जो है लिटिल डॉरिट की, वो तब ख़त्म हो जाती है जब वो 8 ईयर्स की होती है। फैनी जो होती है वो अपने प्रिजन के बाहर जाती है, और वो जो उसके फादर होते हैं, मतलब विलियम डॉरिट होते हैं, उनका जो भाई होता है फ्रेडरिक डॉरिट, उनके साथ में रहती है। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस प्रिजन में, मतलब अगर उनकी फैमिली रह रही है तो वो बाहर आ जा सकती है कमाने के लिए, लेकिन विलियम डॉरिट नहीं जा सकता। तो जो बच्चे होते हैं वो बाहर जाते हैं, और यहाँ तक कि फैनी भी अपने अंकल के पास में रह रही है, फ्रेडरिक के पास में। तो जो बच्चे हैं वो अपना टाइम जो है वो प्रिजन के बाहर स्पेंड करते हैं। लिटिल डॉरिट जो है वो भी अपने जो टाइम है वो बाहर जाती है, लेकिन वो अपने फादर के लिए ही डिवोटेड है। वो कुछ सेविंग वगैरह का काम करके उनका जो डेट है वो चुकाने की कोशिश करती है। अब क्या होता है कि जब उसको पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और इन सब चीज़ों से लिटिल डॉरिट को बहुत फ़र्क पड़ता है, और उसी वजह से वो काम करती है। अब मिस्टर डॉरिट जो है वो वहाँ पे मार्शलसी में रहते हुए इतने टाइम हो गया है कि उसको सब फादर ऑफ द मार्शलसी कहने लग जाते हैं, और लिटिल डॉरिट जो है उसको लिटिल डॉरिट कह रहे हैं,
क्योंकि वहाँ पे जो प्रिजन के जो लोग होते हैं वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। अब आर्थर जो है वो अपनी मदर को कहता है कि मतलब उसकी फैमिली, वो अपनी फैमिली का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका, वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो मिसिस क्लेनम जो है वो अपने क्लर्क, जैसा कि मैंने बताया जेरेमिया फ्लिंटविच जो होता है उसको अपना पार्टनर बना लेती है, पहले वो क्लर्क होता है। फिर आर्थर क्या करता है कि मिसिस क्लेनम को देखता है कि मिसिस क्लेनम ने लिटिल डॉरिट को भी अपनी सिमस्ट्रेस रख लिया, दर्जीन मतलब जो सिलाई वगैरह करती है, तो वो देखता है कि इस अनयूजुअल काइंडनेस का क्या मीनिंग हो सकता है। मे बी मतलब जो मेरी मदर है मिसिस क्लेनम और लिटिल डॉरिट के बीच में कुछ कनेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि मिसिस क्लेनम जो होती है वो आर्थर की मतलब रियल मदर नहीं होती हैं, वो स्टेप मदर होती हैं। तो यहाँ पे वो ये चीज़ देखता है कि किस वजह से ये लिटिल डॉरिट को यहाँ पे काम पे रखती है, और उसको यंग गर्ल के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से कोई ना कोई इस वॉच की जो मिस्ट्री है जिसमें मतलब डू नॉट फॉरगेट का जो मैसेज था वो कुछ ना कुछ इन दोनों में इंटरकनेक्टेड है। आर्थर जो है वो उस लड़की को फॉलो करता है और मार्शल सी में जहाँ पर वो जाती है जो लिटिल डॉरिट है, और वो बाद में सबसे इंक्वायरी करने की कोशिश करता है कि विलियम डॉरिट है कौन। तो वो सरकम लोकेशन ऑफिस जाता है कि उसकी क्या डेटर हैं, कौन कौन से हैं, और किस तरीके से मतलब एज ए बेनिफैक्टर के रोल से जाता है कि मैं उसको हेल्प करूँगा उसके डेट चुकाने में। तो जब उसको वहाँ पे जाने के बाद में क्या होता है कि सरकम लोकेशन ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे डैनियल डॉइस से मिलता है, एक सक्सेसफुल इन्वेंटर है, और उसको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उसके बिजनेस में उसकी फैक्ट्री में उसकी हेल्प कर सके। क्लेनम जो है मतलब आर्थर क्लेनम वो एग्री हो जाता है, और लिटिल डॉरिट जो है आर्थर से कहीं ना कहीं अफेक्शनेट होती है, लव करने लग जाती है, लेकिन आर्थर जो है वो लिटिल डॉरिट की इन सब अट्रैक्शन को समझ नहीं पाता है, इन सब फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है। अब क्या होता है कि आर्थर जो है वो यहाँ पे देखता है कि उसके अपनी जो फ्लोरा फिंचिंग की यादें आती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आर्थर जो है वो चाइना इसीलिए गया था क्योंकि उसके पेरेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो फ्लोरा फिंचिंग के कांटेक्ट में आता है, और वहाँ इसलिए वो चाइना जाता है। लेकिन अब वो वापस आ गया है और चाइना से, तो लेकिन अब जो फ्लोरा है वो एक अनअट्रैक्टिव विडो हो चुकी हैं, और वो अपनी आंट के साथ में रहती हैं, और उनके जो हस्बैंड है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या होता है कि उसके फादर जो है मिस्टर कास्पाई, जैसा कि मैंने बताया वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और उनका एक रेंट कलेक्टर है मिस्टर पैंक्स, जो मिस्टर पैंक्स जो हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और ख़ुद को फॉर्चून टेलर कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ पता होता है विलियम डॉरिट की फैमिली को के बारे में भी पता होता है कि जो विलियम डॉरिट है उसको उसके पास में बहुत लार्ज फॉर्चून है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, और इस वजह से मतलब वो प्रिजन में है। बाद में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो जो विलियम डॉरिट का सारा जो डेट है वो चुका दिया जाता है, और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसकी पूरी फैमिली का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि विलियम डॉरिट पे अब कोई भी डेट नहीं है और वो रिच हो गए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया ये नोवेल का सेकंड पार्ट है जिसमें रिच हो जाती है जो ये फैमिली है डॉरिट फैमिली। तो अब जो है वेल्दी हो गए हैं डॉरिट जो हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम यूरोप घूमेंगे। अब क्योंकि वो रिच फैमिली हो गए हैं, रिच की तरह वो मतलब रिच लोगों की तरह उनके उठना बैठना और इस तरीके की चीज़ें, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटियों के लिए जो विलियम डॉरिट है उसने एक हायर की थी मिसिस जनरल नाम से एक लेडी जो उनको सारी चीज़ें सिखाएगी, और वो घूमने के लिए ट्रैवलिंग के लिए डिसाइड करते हैं। वो पहले एल्प्स जाएंगे, उसके बाद में वेनिस जाएंगे और रोम जाएंगे, ऐसे उन्होंने डिसाइड कर रखा अपना टूर। अब वहाँ पे काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि वो वेल्दी हो गए, उनकी पोजीशन जो है वो अच्छी हो गई है, और पास्ट से वो बहुत अच्छे तरीके से रहने लगे हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं उनके। तो लिटिल डॉरिट है लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि उसने कभी वेल्थ वगैरह और ये सब नहीं देखा था, तो उसको इस पोजीशन में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। और वो यहाँ पे पहले तो मतलब उसको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन बाद में उसको ऐसे लगते हैं कि कितने इसके लिए हार्ड हो गया है कि ये मतलब अच्छे तरीके से उठना बैठना भी नहीं जानती है। फैनी जो है वो बहुत आराम से मतलब सोसाइटी में एडजस्ट हो जाती है, जबकि इनका ब्रदर होता है वो कुछ खास नहीं होता है जो टिप डॉरिट है, क्योंकि वो जो है स्मगलर का काम करता है, मतलब कुछ अच्छी हरकतें नहीं करता है।
और फैनी जो है यहाँ पे सोसाइटी में उठना बैठना सीख जाती है और यहाँ पे एडमंड स्पार्कलर से उसकी शादी भी हो जाती है, क्योंकि पहले जब ये पुअर होते हैं तब ये जब बात करती है एडमंड से शादी की तो एडमंड की मदर ने बिल्कुल मना कर दिया है था, यहाँ तक कि फैनी को पे भी किया था क्योंकि फैनी डांस वगैरह करती है तो उसकी एडमंड की मदर को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं और उस वो अपने बेटे का पीछा छुड़वा लेती है उससे। लेकिन अब वो जब रिच हो गए हैं तो एडमंड की मदर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो शादी कर लेते हैं फैनी और एडमंड। अब इस तरीके से क्या होता है कि उनका मतलब जो रिलेशन है वो उनकी मदर भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब रोम में ही क्या होता है कि जब रोम में वो घूम रहे होते हैं, अब मिस्टर डॉरिट जो हैं वो बीमार हो जाते हैं जो वो ट्रिप पे होते हैं उस टाइम पे ही, और वो वहाँ पे मर जाते हैं। अब क्या होता है कि जो उनका जो ब्रदर है, जब मिस्टर विलियम डॉरिट के जो ब्रदर हैं फ्रेडरिक डॉरिट, उनको पता चलता है तो वो दुख के मारे उसी रात वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अब क्या होता है कि लिटिल डॉरिट एकदम अकेली हो जाती है क्योंकि उसकी फैनी जो सिस्टर है उसकी तो शादी हो चुकी है, तो वो उसी के पास में वापस आ जाती है लंदन, मतलब रोम से वापस लंदन आ जाती है और अपने दीदी और जीजाजी मतलब कि जो एडमंड स्पार्कलर है उनके पास में रहने लग जाती है। अब हम फाइनेंशियल हाउस ऑफ मर्डल की बात करें तो ये लोग क्या होते हैं, मिस्टर मर्डल जैसा कि मैंने बताया बैंकर हैं, फाइनेंशियर हैं, सबकी जो पैसा है उसको सेव करके रखा हुआ है उन्होंने अपने पास। ये एडमंड स्पार्कलर के ही स्टेप फादर होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे मर्डल जो होता है वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसका पूरा जो बैंक वैंक है और उनका इन्वेस्टमेंट है सबका कॉलेप्स हो जाता है, सेविंग्स डॉरिट्स की भी, डॉइस की भी, क्लेनम की भी, मतलब आर्थर क्लेनम की भी, और बैंक्स वगैरह उन सब में जितने भी इन लोगों की सेविंग होती है वो सब उसी के साथ में ख़त्म हो जाती है, मिस्टर मर्डल के साथ में ही। अब जो मिस्टर मतलब आर्थर क्लेनम है उसको भी जेल में डाल दिया गया है मार्शलसी प्रिजन में ही, जो डेटर प्रिजन थी और वहाँ पे वो बीमार हो जाता है। उस टाइम पे लिटिल डॉरिट वहाँ पे आती है, उसको ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ डेट चुकाने में, लेकिन वो हेल्प के लिए मना कर देता है और उसकी हेल्प वो करती है जब लंदन में रहती हुई लिटिल डॉरिट, तब वो वापस से रिकवर कर लेता है अपनी हेल्थ को। यहाँ पे कैवेलेटो और जैसा कि मैंने बताया था रिगॉर्ड, जिनका स्टार्टिंग में जिक्र आया था नोवल स्टार्ट होते टाइम, जो विलन था रिगॉर्ड नाम का, तो कैवेलेटो जो है वो हेल्प करता है इनकी उसको फाइंड आउट करने के लिए रिगॉर्ड को, जो लंदन में ही छुपा होता है ब्लेंडोइज नाम से, तो वो आर्थर के पास में लेकर आता है क्योंकि आर्थर की जो मदर है वो चाहती थी उसको पकड़ने के लिए। तो रिगॉर्ड बोलें या ब्लेंडोइज बोलें एक ही बात है, तो ब्लेंडोइज को पकड़ के जब आर्थर के सामने लाया जाता है, आर्थर कहता है कि उसकी मदर जो है वो इनसे मिलना चाहती हैं और उनकी मदर के पास में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि वो मिसिज क्लेनम को ब्लैकमेल करता है क्योंकि उनके उस पास्ट का सब कुछ पता होता है कि मिसिज क्लेनम का बेटा नहीं है ये आर्थर जो है, और ये चीज़ मिसिज क्लेनम जो है वो क्लियर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसको मतलब उससे ब्लैकमेल हो रही थी, उसको पैसे वगैरह पे करती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आर्थर को क्या चीज़ छुपाना चाहती थी जो मिसिज क्लेनम थी, वो ये चीज़ छुपाना चाहती थी कि उनकी बायोलॉजिकल मदर जो थी आर्थर की वो अलग थी, उनके जो अंकल थे मतलब जो आर्थर के जो फादर थे उनके जो अंकल थे वो नहीं चाहते थे कि जिससे वो शादी कर रहे हैं, जिससे आर्थर पैदा हुआ था उससे वो शादी करे जो उनका भतीजा है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो लड़की को उसने पसंद किया है आर्थर के फादर के लिए वो उससे शादी करे, और वो ऐसा करता भी है। और आर्थर जब पैदा हो जाता है तो उसकी बायोलॉजिकल मदर से लेकर से छीन लिया जाता है आर्थर, और फिर वो अपने फादर के साथ में रहता है प्लस वो मिसिज क्लेनम के साथ में रहता है। मिसेस क्लेनम उसके अच्छे तरीके से देखरेख करती है लेकिन फिर भी वो उसको अपनी बायोलॉजिकल मदर से नहीं मिलने देती है, उससे अलग ही रखना चाहती है। जब आर्थर चाइना जाता है उसी टाइम पे उसकी बायोलॉजिकल मदर की डेथ हो जाती है, और यहाँ पे जो होता है कि ये सब लोग मिस्टीरियस रखते हैं कि एक्चुअल में वो क्या छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मिस्टर क्लेनम थे वो उसके जैसा कि मैंने बताया था कि उनके वेल्दी अंकल थे जिन्होंने उनके बायोलॉजिकल मदर से उनका रिश्ता ख़त्म करवा के और आर्थर के फादर को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था मिसिज क्लेनम से,
तो उनको एट द एंड बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो ख़त्म होते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। तो इसलिए वो जब मरते हैं उस टाइम पे जो ऑर्थर की बायोलॉजिकल मदर होती है उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, साथ ही साथ में उनकी जो पैट्रोन होते हैं मतलब जो फ्रेडरिक डॉरिट होते हैं, विलियम डॉरिट के जो भाई होते हैं बड़े भाई, उनके लिए भी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं उनकी बेटी के लिए। लेकिन फ्रेडरिक डॉरिट की कोई बेटी नहीं होती है, तो वो विलियम डॉरिट की जो बेटी होती है लिटिल डॉरिट, उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इस तरीके से लिटिल डॉरिट और मिसिस क्लेनम के बीच में एक रिश्ता निकल आता है, जो जो ऑर्थर को शक होता है कि यहाँ पे जो मिसिस क्लेनम है वो ना तो लिटिल डॉरिट को बताना चाहती है ना ऑर्थर को बताना चाहती है असलियत, क्योंकि वो उसके बायोलॉजिकल मदर के बारे में बात नहीं करना चाहती है। लेकिन ऑर्थर यहाँ पे जो मिसिस क्लेनम है वो एक जो उसके जो पेपर हैं ब्लेंडोइस के पास में हैं, जो रियल पेपर्स हैं, और ब्लेंडोइस जो है अपने जो पेपर्स हैं वो जब छोड़ के जाता है तो जेरेमिया जो है जो उसका बिजनेस पार्टनर है उसके ब्रदर को मिल जाते हैं मार्शलसी में, लिटिल डॉरिट को वो देने की कोशिश करता है। मिसेस क्लेनम जो है वो अब जो है वो चाहती हैं कि मैं सब कुछ बता दूं, मतलब पहले तो वो बताती नहीं है लिटिल डॉरिट और ऑर्थर को कुछ भी, लेकिन वो इसी वजह से वो ब्लैकमेल हो रही थी। लेकिन अब वो चाहती है कि मतलब एक बार जब वो मिलना चाहती है लिटिल डॉरिट से और वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसका घर बिल्कुल कोलैप्स हो गया और उसके नीचे जो रिकॉर्ड था ब्लेंडोइस था वो भी दबकर मर गया है, और उसकी जो केयर टेकर थी वो बाहर आ जाती है और वो बच जाती है उसमें। तो इस तरीके से वो देखती है कि रिकॉर्ड वगैरह तो मर चुके हैं और जो जेरेमिया की जो वाइफ थी वो भी बच चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे जेरेमिया जो था वो कोलैप्स होने के बाद में लंदन से भाग जाता है, जो पैसे उसको मिलते हैं उन सबको वो समेट के चला जाता है। अब यहाँ पे लिटिल डॉरिट को वो सब कुछ रिवील करना चाहती है जो मिसिस क्लेनम है, और वो बता भी देती है, उससे माफ़ी वगैरह मांगती है, तो वो माफ़ कर देती है, लेकिन ऑर्थर को अभी भी कुछ भी नहीं पता। अब मिस्टर मिगल्स जो है वो ओरिजिनल पेपर्स तो जला देते हैं कि, और यहाँ पे मिस वेड है ये भी इन सब में इन्वॉल्व होती है, वो भी सब कुछ नहीं पता क्योंकि बताना चाहती है, क्योंकि मिस वेड है यहाँ पे कहीं ना कहीं विलन का रोल कर रही है। टैटी कोरम को भी उसने अपने पास में बुला लिया होता है, क्योंकि मिस वेड का जो पहले जिससे मतलब गोवान नाम के एक पर्सन के साथ में जो अफेयर चल रहा था, वो अब जो मर्डल की जो फैमिली की बेटी है पैट मिगल्स उसके साथ में, सॉरी मिगल्स फैमिली की जो पैट मिगल्स है उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है गोवान की, इसलिए मिस वेड उससे बदला लेना चाहती है। तो मिस वेड भी यहाँ पे विलन के कैरेक्टर में है, और इसलिए ही पैट मिगल्स से दुश्मनी करवा देती है वो टैटी कोरम की भी, क्योंकि पैट मिगल्स उसके मतलब पहले जिससे अफेयर होता है उससे शादी कर लेती है, तो इस चीज़ से मिस वेड को बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो टैटी कोरम को भी अपनी तरफ मिला लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन एट द एंड क्या होता है कि जो उसका पार्टनर होता है ऑर्थर का बिजनेस पार्टनर डैनियल डॉइस जो होता है वो एब्रॉड गया हुआ होता है, जब उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है मिस्टर मर्डल के साथ में ही। अब वो वापस आ गया है तो वो ऑर्थर को जेल से बाहर निकाल देता है डेटर प्रिजन से, और उसकी हेल्थ भी सही हो जाती है और ऑर्थर और लिटिल डॉरिट दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरीके से इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग होती है फ्रेंड्स। इसी में कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, सब प्लॉट्स हैं जो साथ में बताए गए होते हैं, कुछ छोटे मोटे जो मे भी मैंने छोड़ दिए हों। तो जैसे कि मिगल्स फैमिली काफ़ी अच्छी होती है, उनकी जो डॉटर होती है वो पैट, उसकी शादी हेनरी गोवन से हो जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो टैटी कोरम नहीं सहन कर पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कंपटीशन रहता है पैट से, और टैटी कोरम जाकर मिस वेड से मिल जाती है, और मिस वेड जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड से जैसा कि मैंने बताया मिली हुई होती है, और वो इस चीज़ को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका जो गोवन हेनरी गोवन था वो एक टाइम पे उसका अफेयर था उसके साथ में। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसमें सारा कुछ बताया गया है, चार्ल्स डिकेंस ने क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश की है, और एट द एंड सब कुछ सही हो जाता है, सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, और लिटिल डॉरिट और ऑर्थर की शादी भी हो जाती है, और साथ ही साथ में जो उन्होंने सटायर किया है उस टाइम की ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी पे, और जिस नाम पे सरकम लोकेशन नाम पे वो ऑफिस के नाम से वो जो अपनी चीज़ें छुपाते हैं या कुछ काम जो हैं वो सही से नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि डेटर प्रिजन में
देखते हुए लोगों को क्या कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा था। होप यू लाइक इट, ऑफ इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स।